अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे? आज मैं काफ़ी दिनों के बाद कैलीग्राफी करने लगी हूँ और मैंने सोचा है कि ब्रश से कैलीग्राफी करने का कोई तरीका बताया जाए आपको। ब्रश से कैलीग्राफी करने के लिए मैंने ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं। आप कोई भी एक्रेलिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल पेंट्स का इंतखाब किया है। फिर मैंने सबसे पहले पेंसिल के साथ कैलीग्राफी लिख ली है, जिस तरह से मैं लिखना चाह रही हूँ। उससे ये होता है कि ब्रश जब आप चलाते हैं तो आपको एक गाइडलाइन मिल गई होती है, और ये इतनी अच्छी गाइडलाइन होती है पेंसिल के साथ लिखा हुआ कि आपको अंदाज़ा होता है कि किस स्ट्रोक से आपने ब्रश को घुमाना है और किस तरह से करना है इसे। आप देख रहे हैं कि पेंसिल की वजह से मुझे कितनी आसानी रही है लिखने में। अब मैं इसकी साइडों पर डार्क ब्राउन कलर करूँगी ताकि येलो कलर मज़ीद प्रोमिनेंट हो सके। फ़बियशी आलाई रब्बी कुमा तो का ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत का झुटलाओगे। ये अल्लाह ताला की आयत जो है, ये अल्लाह ताला का दावा है कि आप अल्लाह की किसी नेमत को झुटला ही नहीं सकते। जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, लेकिन फिर भी आपको मिलने वाली नेमतें जो होंगी उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा ही होगी। जब भी आप कभी परेशान हो तो इसका तजर्बा करके देख लें। आप कापी पेंसिल लें और अपनी तमाम नियमतों के बारे में लिखें, सोने से लेके जागने तक और सर से लेके पांव तक। आप अपनी तमाम नियमतों के बारे में लिखें, जो जो कामयाबियां अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, इस दुनिया में कितनी आसाइशों से नवाजा है, आप उन सब चीज़ों को लिखें। फिर आप यकीनन देखेंगे कि आपकी परेशानियाँ बहुत कम हैं और आपकी नियमतों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो अल्लाह ने आपको नवाजा है जिन नियमतों से। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें और फिर अपनी नेमतों का अंदाज़ा करें। मैंने इसके लिए जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। ये डिफरेंट कलर्स के जो शेड्स दे रही हूँ, ये मैंने अल्लाह ताला की नेमतों को शो करने की कोशिश की है कि इस कदर रंगीन और ख़ूबसूरत अल्लाह की नेमतें हैं, और सब आपस में इतनी मिली जुली हैं कि उनसे मज़ीद नई नेमतें जो हैं वो बन रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कलर्स के शेड जो हैं वो जब मिलते हैं तो उनके डिफरेंट कलर्स की जो है वो एक कलर बनता है। इसलिए इस पेंटिंग में मैंने डिफरेंट कलर्स का इंतखाब किया है कि अल्लाह ताला की नेमतें इस कदर अजीम हैं, इस कदर रंगीन हैं, इस कदर ख़ूबसूरत हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों का अहाता ही नहीं कर सकते। और जब परेशानियाँ आनी हैं तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि वो आज़माएगा हमें इस दुनिया में। जब आजमाइश आनी है तो भी परेशानी किस बात की, उसके आगे झुक जाएं और उसके सामने अपना सब कुछ पेश कर दें, उसकी रज़ा में राज़ी रहें। आप देखेंगे आपको बहुत दिली सुकून मिलेगा। ये थी मेरी आज की कैलीग्राफी और छोटी छोटी बातें जो मैं आप सबसे करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।